नमस्कार प्रणाम भाई लोग, का हाल बा। खेसारी के नया फिल्म आ गया बा, नाम है संघर्ष 2। अभी एक ट्रेलर आ गई बा। आ लोग कहता जौना दिन फिल्मी आ जाए नू वो दिन खेसारी पढ़िए सबके ऊपर भारी। आ लोग इहो कहता कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दिन बदले वाला बा, भोजपुरी अब एकदम इंटरनेशनल लेवल हो जाए। हमारे संग बड़े प्रशांत जी, ट्रेलर तो आप देखे ही होंगे प्रशांत जी, है ना, कैसा लगा आपको? किसले रवि किशन जी के अंदाज में कहूँ तो ए बाबू गर्दा उड़ा दहलन हो खेसारी, खेसारी तो गर्दा उड़ा दहलन हो बाबू। ये फिल्म आप देखिएगा, भोजपुरी पहली बार मुझे भोजपुरी फिल्म का कोई ट्रेलर बेहतर साबित दिख रहा है, क्योंकि इस ट्रेलर में वो सारी चीजें हैं जो एक बॉलीवुड फिल्म को टक्कर दे सकती है। क्या क्या होनी चाहिए? आप अभी मसाला बॉलीवुड फिल्म देखिए, उसमें क्या रहता है, क्या रहता है? एक्शन होगा, ड्रामा होगा, आइटम सॉन्ग होंगे, इमोशन होगा और देशभक्ति होगी। आप खेसारी की संघर्ष 2 का ट्रेलर शुरू करिए, पहला सीन ही है इसमें बच्चे गा रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसीलिए हम भी फौजी कलर वाला कपड़ा पहन लिए, देशभक्ति में नंबर वन। उसके बाद गाना शुरू हो जाता है, उसके बाद खेसारी का लुक आता है, लुक देख के ही भोजपुरी उनके फैंस पागल हो जाएंगे। उसके बाद एक्शन के जो सीन है, जो पठान में और टाइगर में जो सलमान खान मशीन गन चलाए थे वही वाला खेसारी लेके आए हैं और उनसे उतनी ही बेहतर स्टाइल में चला भी रहे हैं। यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं प्रशांत जी, क्या जिस फिल्म के बदले, ट्रेलर के बदले आप लोग भोजपुरी का झंडा बुलंद किए हैं, उसका ट्रेलर आता है और पहलका सीन ही कॉपी होता है, क्या क्या हुआ इसमें? यही बात है, कॉपी तो बॉलीवुड भी हॉलीवुड से कर लेता है, हॉलीवुड इधर उधर से कर लेता है, ओरिजिनल नहीं है मतलब कुछ? नहीं नहीं, ओरिजिनल की बात नहीं है। आप कॉपी करके भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे। फिल्म आप ये देखिए कि किस स्तर पे थी। अच्छा, किस स्तर पे थी भोजपुरी फिल्म, किस लिए जानी जाती थी? आपने नदिया का पार देखा है ना, वो भोजपुरी फिल्म। उसके अलावा आप कोई फिल्म बताइए? उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं। फिलहाल में गंगा मैया तो के प्यारी चढ़ाई, वो सालों हो गए, किसले कहाँ जी रहे हैं आप? ये हम कहल चाहते नहीं प्रशांत जी की दौर के जो फिल्म रहे उसने फिल्म काहे नहीं कर बना, कौन काम कॉपी कर लाके? वो टाइम आने में समय लगेगा, अभी हाल फिलहाल की पिक्चर उठाइए। किस लिए जानी जाती है भोजपुरी? द्विअर्थी संवाद, अश्लील गाने, ठीक है, ट्रेलर में तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं दिखा है, आप मानेंगे। अच्छा, और दूसरा बताइए पॉइंट आपको कहां बढ़िया लगी? हम तो पहला भाई पॉइंट नोटिस किए हैं कि फिल्मों कॉपी कर गई बा, KGF 2 में वो चलावत है मशीन गन, सलमान खान टाइगर में चलावत है, खेसारियों लेके आ गए मशीन गन, दर 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 दर, कौन मतलब भाई? भाई हर फिल्म में चलाता है स्टेन गन। अच्छा, तो अब स्टेन गन और बंदूक एक्शन तो कॉपी ही रहा था ना हर बार से। अच्छा ठीक बात, दूसरा का पॉइंट बताइए। हमारा पॉइंट ये बा कि भोजपुरी फिल्म है, ऐसे भोजपुरी फिल्म केहू देखबे ना कराला, हमने पजन तो भूल ही गई ना, लेकिन पहली बार ऐसी कोई फिल्म आई है जब आप देख रहे हैं और आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट उसका अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये फिल्म आप ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि भोजपुरी फिल्म का इतिहास बदल जाएगा, भोजपुरी फिल्म एकदम उसमें दायरे में आ जाएगी, लेकिन कम से कम ट्रेलर देख के, अभी फिल्म आएगी तब पता चलेगा असली कहानी क्या है, लेकिन ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि एक बड़े कैनवास पे फिल्म शूट हुई है। फॉरेन लोकेशन तो पहले भी शूट हो रही थी, लेकिन इस बार की फॉरेन लोकेशन जो है वो जस्टिफाई कर रही है। एक चीज और, फिल्म कहीं ना कहीं ट्रेलर में एक भी डबल मीनिंग डायलॉग नहीं है, आइटम सॉन्ग है जो हर जगह चलता ही है आजकल, वो लोगों के टेस्ट के हिसाब से। दूसरी चीज, एक सीक्वेंस है जिसमें बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, हो सकता है वीडियो गेम को लेकर के, आजकल जो लगातार वीडियो गेम का दौर चला हुआ है उसको लेकर के एक हो सकता है फिल्म में एक मैसेज भी हो। फिल्म में खेसारी की छोटी सी बेटी भी है जिसका एक डायलॉग है फिल्म, एहू बात के विरोध बा, कौन है? एक्टिंग है भाई, अपना पूरा परिवार के लिए आके फिल्म बनाता, लोग बेटी के लिए आ दो, बेटा के लिए आ दो, दामाद के लिए आ दो, ससुर के लिए आ दो, एक्टिंग का पढ़ाई मत करवाओ, घरे से पूरा फिल्म बना दो। कौन बात के पढ़ाई थोड़ा होला ना होला, तो फूल में होला। अच्छा, मनोज वाजपेयी पढ़ाई निखन कैले, पंकज त्रिपाठी निखन कैले, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखे निखन कैले, सिर्फ फूल में रहल तो पढ़ाई से आप उसको निखार सकते, एक्टर हर कोई नहीं बन सकता, अगर उतने ही एक्टर अक्षर बन जाते तो अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन इतने महान बन जाते, ठीक है, लेकिन अभी वो बेटी है, छोटी सी है, वो उसका आज इस फिल्म में डेब्यू हो रहा है, अगर उसके अंदर पोटेंशियल होगा तो वो आगे चलेगी, तो थिएटर करवाते नहीं तो नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है, आगे आगे आगे। हाँ, फिल्म में एक बड़े कैनवास पर शूट हो रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भोजपुरी फिल्मों में अभी तक नहीं देखते आए हैं, अभी तक
ट्रेलर अभी तक भोजपुरी फिल्म हो गया, फिल्मों को कैसा होता था, आप उसमें हर दो सेकंड पे द्विअर्थी गाना देख लेते थे, डबल मीनिंग, एक उस तरह का गंदा सा सीन देख लेते थे, उस तरह के एक सेट पैटर्न पे कहानी होती थी, वही फिल्म में वही प्रशांत जी हम ही कहल जाते नहीं, जैसे ये कहते हैं कि बड़ कैनवास पे फिल्म शूट भइल भी तो लोग खूब देखी, लेकिन हम ये कहल चाहते नहीं जब भोजपुरी फिल्म के कहानी बदल गई, लोकर दुनिया बदल गई, जब फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, वो फिल्म में कहाँ रहे, कुछ ना रहे, कोनो बड़ कैनवास है, कोनो बहुत पैसा ना लगल है, लेकिन ईओ में रहे खासियत कि फिल्म जो नैनू ओरिजिनल कंटेंट रहे, गांव के माहौल रहे, भोजपुरिया लोगों के बात रहे, आ ए फिल्म के 3 मिनट का ट्रेलर बा, आ मुश्किल से खाली 30 सेकंड भोजपुरी बोलल गई बा, भोजपुरी फिल्म एकर हम कारण बताओ, एकर हम कारण, हाँ बताइए, भोजपुरी फिल्म है नहीं, आप साउथ की फिल्में देखते हैं, साउथ का ट्रेलर आता है उसमें कितना बार हिंदी बोला होता है, आप यहां समझे नहीं, भोजपुरी और हिंदी अलग अलग भाषा तो आप नहीं मानते हैं ना, वो दोनों से मिक्स है ना, ना जब अगर भोजपुरी पर्टिकुलर भोजपुरी के बात होता है, फिल्म भोजपुरी में भी तो ट्रेलर भोजपुरी में होगा चाहिए, नहीं भाई भोजपुरी फिल्म को इस बार वो पैन इंडिया बना रहे हैं, पैन इंडिया बनाना क्या है, पैन इंडिया का मतलब है कि हर जो हिंदी भाषी दर्शक हैं, जो भोजपुरी फिल्म बिहार और यूपी के पूर्वांचल में सिर्फ देखी जाती है या फिर बाकी राज्यों में जो वहाँ के लोग रहते हैं वो देखते हैं, उसको जब वो हिंदी में लेकर के, भोजपुरी है उसमें ना, कतना बा 3 मिनट के 30 सेकंड, अभी तो आप फिल्म देखे, अभी हम प्रशांत जी को बताने वाले हैं बड़ी बात, पैन इंडिया आपने कहा है ना, पैन इंडिया आपने कहा है ना, पैन इंडिया का मतलब कोई भी तमिल तेलुगु की फिल्म आती है जब पैन इंडिया जब ये लोग कहते हैं तो पहले उनका एक ओरिजिनल भाषा होता है, उसके बाद हिंदी में फिर अंग्रेजी में करते हैं, हम ही कह रहे प्रशांत जी हम ही कह रहे थे कि इसको भोजपुरी में लॉन्च करते हैं, फिर उसका हिंदी बनाते हैं, फिर तमिल तेलुगु मराठी अंग्रेजी जो बनाना फ्रांस से बना, तेलुगु रशियन में लॉन्च कीजिए ना, कौन कह रहा है, लेकिन एक ओरिजिनल भोजपुरी तो होना चाहिए ना, तमिल तेलुगु मराठी हिंदी से बिल्कुल अलग भाषाएं ठीक है, उनको आप डब ही कर सकते हैं, उसको आप और कोई ऑप्शन करवाइए, क्या दिक्कत, भोजपुरी के साथ ऐसा नहीं है ना, नहीं हम ये कह रहे हैं कि कितना ये बताइए 30 सेकंड भोजपुरी 3 मिनट के ट्रेलर में, या न्याय नहीं है भोजपुरी, न्याय नहीं है भोजपुरी को, अगर बड़ा बनाना है तो थोड़ा सा हिंदी में बताए लगी, हम हाँ हम रशियन में बोले लगी जाके, या कहें कि हम भोजपुरी को बढ़ाओ, तो नहीं फिर आप अपनी भाषा को रशियन से तुलना कर रहे हैं, ठीक बा आगे बढ़ाएं, रशियन नहीं है भाई वो, भोजपुरी है उसको बड़ा कैनवास चाहिए, थीक, आप इसकी तारीफ करिए, खेसारी के समर्थन में आई, क्या तारीफ करें, नकली दाढ़ी लगा लिया, दिख नहीं रहा फिल्म के नकली दाढ़ी है, बाप रे नकली दाढ़ी कौन नहीं लगाता भाई, अरे तो नकली दाढ़ी लगाइए तो ऐसे लगाइए कि लगे कि भाई हम सच में बूढ़े हो गए, क्या बूढ़े सच में हम जवान हो गए, लग रहा है कि फिल्म नकली है, नकली दाढ़ी लगा लिया, किसी का भाई किसी की जान, नकली बाल, कितना चल के फिल्म आप जानते ही हैं, 100 करोड़ से ऊपर कमा, तो पैसा कमाना क्या मतलब, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना बस, है बस, बस, तो आप यहीं गलत मात खा गए, इंडस्ट्री बढ़ाना, और बॉलीवुड में कितनी अच्छी फिल्में बनती हैं, कितनी अच्छी बन, कितनी अच्छी ठीक ठाक अच्छी बन जाती हैं, नहीं बॉलीवुड का क्या दृश्यम 2 आया अभी हम देखे, ठीक ही था, दृश्यम 2 कौन सी बड़ी आपकी सीख देने वाली फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी बॉलीवुड को, वो फिल्म रीमेक है हॉलीवुड, अच्छा आपको पता है ना, तो रीमेक भी बनाया, बड़ा अच्छा बनाया ना, फिर आप आ गए वहीं पे, तो वैसे ही ये भी अगर रीमेक करके बना रहे हैं तो हो सकता है अच्छा, मतलब देखिए ट्रेलर की सिर्फ बात हो रही है, और ट्रेलर अभी तक की जो भोजपुरी फिल्में आई हैं उनसे बहुत बेहतर साबित हो रहा है, तो इसलिए उसकी आलोचना करिए कि कुछ बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, जब फिल्म आएगी तो हम इस पर बड़े लेवल पे बैठ के बात करेंगे कि कुछ बदला कि नहीं बदला, तो वही आपको लग रहा है बदलेगा, कम से कम ट्रेलर से तो लग रहा है कि एक जो रूटीन है वो टूट रहा है, हमको क्या लगता है ना प्रशांत जी कि जो ओरिजिनल चीज हो ना ओरिजिनल भाई नाटो नाटो के काहे मिल गई आजकल, ओरिजिनल है भाई उनकर गाना, अब हिंदी में नाटो नाटो कहते तो शायद ना ऑस्कर मिल रहा है, भोजपुरी फिल्म को आप एकदम आधार से भी नीचे देखिए, ऑस्कर उसको किस बात की बताइए, हमको फिल्म आप... एक बात बताइए, हमको फिल्म को आगे बढ़ाना है कि खेसारी को आगे बढ़ाना है कि भोजपुरी को आगे बढ़ाना है, नहीं इस फिल्म से हमको ये लगा कि भोजपुरी को आगे नहीं बढ़ाया गया है, आगे बढ़ाया गया खेसारी को, आगे बढ़ाया गया है पैसा को कि जो प्रोड्यूसर का पैसा लगा रहा निकल जाए जब भी, अरे तो फिल्म तो मनोरंजन का साधन ही तो माना जाता है पहले, वो एक बिजनेस, समाज का आईना भी तो कहते हैं क्या भोजपुरी में लोग ऐसे होते हैं, पुराने कहते थे, अच्छा अब आजकल फिल्में उस तरह की बनते कहां है, बॉलीवुड में नहीं बनती, कहीं नहीं बनती, इक्का दुक्का लोग हैं जो उस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं, पहली बात तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपकी मंशा क्या है, ये फिल्म समाज का आईना बदलने और उन सब चीजों से अलग हटके देखिए, अच्छा। सिर्फ इतना देखिए कि भोजपुरी फिल्म का स्तर इस ट्रेलर से थोड़ा ऊपर उठता दिख रहा है, समाज बदलना बदलना तो हम आगे देखेंगे कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अभी एक फिल्म आई है उसका ट्रेलर आया है जो थोड़ा क्लासिक टच दे रहा है, कम से कम उसमें अभी तक नकली सीन नहीं दिख रहे हैं, नकली गाड़ी नहीं है,
बाबा दाढ़ी और ये सब लुक होता है, इस तरह के लुक बॉलीवुड फिल्मों में लुक कितने लोग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, पहले के जमाने में नकली लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा अभी अभी भी लगता है। आप कितनी बॉलीवुड फिल्में देख लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप इसको सीधा हॉलीवुड और बॉलीवुड से कंपेयर मत करिए, भोजपुरी फिल्म को सिर्फ पुरानी भोजपुरी फिल्मों से कंपेयर करिए, पिछली फिल्मों से कंपेयर कर लीजिए, बस इधर मत कंपेयर करिए कि साउथ में क्या बन रहा है, बॉलीवुड में क्या बन रहा है। भोजपुरी की तो असली लड़ाई अभी भोजपुरी से ही है, जो 20 साल पहले ससुरा बड़ा पैसा वाला का आपने जिक्र किया, मनोज तिवारी ने जब वो उस तरह की फिल्में लेके आए और जिस जो रिवाइव हुआ था, रिवाइवल हुआ था भोजपुरी फिल्मों का, भोजपुरी दोबारा वहीं पहुंच गया है, और उनको वहां से उठने के लिए पहले अपना ही अपने ही पास्ट से अपने ही अतीत से कंपटीशन। ठीक बा, तो वह ये कहल चाहता नहीं प्रशांत जी कि भोजपुरी की लड़ाई भोजपुरी से बा, ये कहला ये बात ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बताओ तनी का लड़ाई बा, भोजपुरी के लोग कहता है कि भोजपुरी दिवर्थी हो गई बा, लोग भोजपुरी ठीक से बोलत नहीं के, भोजपुरी फिल्म में बंगाल और कलकत्ता पता ना कहाँ कहाँ से हीरोइन लेके आवता लोग, जरा भोजपुरी बोले आवत नहीं के, जे एक्टर बे एक्टिंग करे आवत नहीं के, अब आई ई कहते रहे कि भोजपुरी के लड़ाई भोजपुरी से, तो फिल्म में क्या भैया भाई होके के चाहिए कि भाई जब लड़ाई बा भोजपुरी से तो निमन भोजपुरी बोलित लोग, दिवर्थी गाना कम गाइत लोग, बढ़िया डायलॉग बोलित लोग, एक्टिंग करे वाला कलाकार के लाइत लोग, तो अपन घरे परिवार के भर ले बड़े उम्र, घर परिवार में उसकी एक छोटी सी बेटी है, आप तो बेटी पे एकदम आप अटैकिंग हो गए हैं ना, हम कहते हैं क्या आलोचना ना, ना जब जब बात ही बात ही होता कि भोजपुरी के जोन बात जैसे बदलाव होगी, लेकिन बदलाव खातिर कौन कदम उठावल गई बा इहो जानल जरूरी बा। बदलाव तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, पता नहीं डायरेक्टर उसको सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, वो बदलाव करना चाहता है कि नहीं, बस इस फिल्म का कैनवास बड़ा है, इस जो पुरानी भोजपुरी फिल्में अभी तक आती रही हैं, जिनका ट्रेलर फिल्म हम देखते रहे, उनका एक सेट रूटीन रहा है, देशभक्ति तो हर फिल्म में आजकल रहती ही है, लेकिन एक फिल्म आपको रियल सी रियल फील कराए, जिसमें आपको लोकेशन नकली ना लगे, आपको ऐसा ना फील हो कि वही फिर से कहानी देख रहे हैं उसी तरह की फील होगी इसमें, तो देखिएगा तो लगेगा नकली, लेकिन ऐसा फिल्म बॉलीवुड में देख चुके हैं, तेलुगु में देख चुके हैं, बहुत तो वही जो चीज है वही दिखा रहे, ओरिजिनल क्या है इसमें, बहुत जब हम फिल्म आएगा तब हम डिटेल बात कर पाएंगे कि दरअसल क्या है, हो सकता है हम जो बात कर रहे हो बिल्कुल ना हो, लेकिन हो सकता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, देख के तो यही लगा था हमारा कि फिल्म एकदम कॉपी है बॉलीवुड के, हॉलीवुड के जोन में कॉपी है, नया क्या कहले बड़े हमें लगता है आपने, एक बात बताइए, आप कैमरा पे हैं, आप पत्रकारिता में 10-15 साल से हैं, आप 15 साल से हैं, आखिरी भोजपुरी फिल्म कौन सी देखे थे, आखिरी हम भोजपुरी फिल्म देखते ही नहीं है सर, फिर आप कहे बहस ही कर रहे हैं, मैंने देख ही नहीं रहे भोजपुरी फिल्म, आजकल क्या ही बना रहे हैं लोग भोजपुरी फिल्म, यही बात है, अब यही समय बचा है हम भोजपुरी देखें, इसमें कुछ है नहीं, पांच गाना डाल देते हैं, 10 मिनट की कहानी रहती है, अंड बंड भोजपुरी बोलते हैं, पांच लोग के बीच में कह देखे हम भोजपुरी फिल्म देख के आए तो वो कंटाप मारेंगे सब, 10 फिल्म देख लिए होते ना तो इस ट्रेलर से बहुत खुश नहीं, 10 को देखे हैं कि ना, नाम बताइए ना, पिछला नहीं, ससुरा बड़ा पैसा वाला देखे हैं, दुर्गा बाबा आई लव यू देखे हैं, कहां जा रहे हैं, उतना पीछे मत जाइए, पिछले 2 साल की 10 फिल्म गिनाइए, पिछले 2 साल के 2 साल में अच्छी फिल्में बनी नहीं है, बस ये पॉइंट तो अच्छी फिल्म बन रही है, पिछले 2 साल का 10 फिल्म देख लीजिए और कल आके चर्चा करिए, आपको लगेगा कि क्या फिल्म बना दी, पिछले 2 साल का 10 फिल्म देखा है, हम आपकी बात समझ गए, ससुरा बड़ा पैसा वाला नदिया के पार और उस पे जाएंगे तो वो तो एक कल्चर्ड फिल्म, ये बात सही कहते रहे कि ई फिल्म कैला से भोजपुरी इंडस्ट्री तनी आगे बढ़ी कि हाँ भाई फिल्म आई बड़ा पैसा खर्चा चलो देख ले जाओ, या फिर लेकिन सवाल ये भोजपुरी आगे बढ़ी, ये तो हम फिल्म आएगी तब हम देखेंगे, जो ना फिल्म में आधा हिंदी बोलल बा 10% भोजपुरी बोलल बा, वो कैसे भोजपुरी आगे बढ़ी, 2 साल में कितनी भोजपुरी फिल्में आई हमने कभी चर्चा की, या इंटरनेट पे इतनी चर्चा हुई कि कोई भोजपुरी फिल्म आ रही है, कभी चर्चा हुई ना, चर्चा तो बढ़िया गाना करना वाला, अगर तो ना चोली लहंगा गा दीजिए तुरंत वायरल हो जाते हैं, चर्चा हो जाता है, तो क्या चर्चा में लाने के लिए आप कुछ अंड बंड काम करेंगे, इस फिल्म में चोली लहंगा नहीं है इसीलिए चर्चा, हम आते गाना देखने वो कोनो बहुत बढ़िया लगा ला, तो आइटम सॉन्ग का नसीब हो कोनो गाना है, तो आइटम सॉन्ग है भाई, आइटम सॉन्ग तो आइटम सॉन्ग अब तो बॉलीवुड के फिल्मों से बारी हो गई बा, लोग कहा आइटम सॉन्ग रखा था, बहुत कम है, एक दो फिल्म होता है जो हम आइटम सॉन्ग लोग नहीं देखते, पिक्चर देखे नहीं, नहीं देखते देखे नहीं हम, इसीलिए आप फिर एक बात पूछा हम प्रशांत जी, आप पत्रकारिता में 10 साल से हैं, जब आपके बॉस आपसे कहते नहीं कि क्या बना रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, ओरिजिनल लेके आइए, ओरिजिनल लेके आइए, इसमें क्या आपको ओरिजिनल दिखा, इस फिल्म में ओरिजिनल कुछ नहीं है, तो बस फिल्म का ट्रीटमेंट अच्छा है, यही मैं कह रहा हूँ, फिल्म का ट्रीटमेंट भोजपुरी फिल्म की जो आती रही है, आप 2 साल का फिल्म उठा के देख लीजिए भोजपुरी का, आपको अपने आप लगेगा कि ये फिल्म बहुत बेहतर है, वो बहस तो बाद में हो जाएगी कि भोजपुरी फिल्म का क्या सुधार हुआ, समाज कितना बदला, लेकिन 2 साल का फिल्म उठाई आप तो देखे ही नहीं, ससुरा बड़ा पैसा वाला, ठीक भाई हमने की बातचीत जोन बात तो भोजपुरी फिल्म संघर्ष 2 के ट्रेलर पर आधारित बा, अभी पूरा फिल्म आवे वाली भी है,
फिल्म देखला के बाद पता लगे कि भाई का होता, का वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ बदलाव होखे वाला बा, का वाकई में खेसारी कुछ असन कैले बड़े जो के भोजपुरी जवान के सीना चौड़ा होके मान बढ़े। हमारा तो नहीं लागत, इनका लागत है, लेकिन हाँ पूरा कंक्लूजन निकाले खाती पूरा फिल्मिया देखे के पड़ी जब फिल्म आ गई तब। लेकिन आप देख के मानेंगे जरूर। ठीक बा, बात बात और पिछले दो साल का 10 फिल्म देख लेंगे तो खुशी खुशी मेरी बात मान लेंगे। ठीक बा, देखा तनी तो हमरो इंतजार भाई फिल्म के, रोवो सब के इंतजार होई तो फिल्म देखला के बाद से कमेंट करके बताई जा, और ट्रेलर कैसा लागल एकरा बारे में भी कमेंट करके जरूर बताई। बाकी देखत रही जा एबीपी लाइव।